नमस्कार, स्वागत है आपका ड्राइंग ट्यूटोरियल में एक बार फिर से। और आज हम बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी लेके आए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर सा खरगोश रैबिट दिखाई दे रहा है, देखिए। और ये ऐसे आराम से बैठ भी सकता है, देखिए। और इसको हमने सिर्फ एक पेपर से बनाया, जस्ट ए पेपर, कलर पेपर, जो भी कलर आपको पसंद है, ओरिगेमी पेपर आप ले सकते हैं। उनके पूरे सेट भी आते हैं अलग अलग कलर के। जैसे मेरे पास ये एक सेट है, इसमें से मैंने येलो कलर चूज़ किया है, जिससे मैं आज आपको एक रैबिट बनाना सिखाने जा रही हूँ। एक ये आज का अपना टॉपिक रहेगा पेपर आर्ट ओरिगेमी, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वेयर पेपर लेते हैं। ध्यान रहे कि स्क्वेयर पेपर के जो सभी कोने हैं सब बिल्कुल बराबर रहे। अगर ये कहीं से भी कम या ज़्यादा है, और अगर ये प्रॉपर स्क्वेयर शेप में नहीं है तो ये अच्छा नहीं बन पाता है। एक प्रॉपर स्क्वेयर शेप लेंगे आप, और उसको सबसे पहले ये देखिए, उसको आप ऐसे ऐसे मोड़ना है, बिल्कुल बीच बराबर खोल लीजिए। अब इसके हाफ में दोनों तरफ से, ये मैंने थोड़ा इसको पहले करके रखा था ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। और सेम टू सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड में लेंगे। अब इसको ऐसे वैसे ही जैसे पहले किया था, बीच दोनों कोनों को, दोनों सिरों को, इन दोनों सिरों को बीच वाली बिल्कुल लाइन से हम ऐसे मिला के और इसको थोड़ा सा पक्का कर देंगे। ऐसा करके आप देखिए, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वेयर बन गए हैं। ये सब स्क्वेयर देखिए नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब स्क्वेयर आपको बाद में बहुत यूज़ होंगे। और एक बार इसके कॉर्नर्स को हम मिलाएंगे ताकि स्क्वेयर के बीच में हमें प्रॉपर लाइन मिले, सेंटर मिले। देखिए हर एक स्क्वेयर के बीच में से करेंगे थोड़ा सा और खोलेंगे। ये आपके सभी फोल्ड्स तैयार हो गए हैं और हम इसको अब रैबिट को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो बीच वाली लाइन है उसको हम दोनों कोनों को मिलाएंगे, ऐसा मिलाएंगे, और कोनों में आप ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत छोटा सा है ये इधर लाइन, और इस स्क्वायर के बीच की जो लाइन है इसको पकड़ के और इधर इसको मिला देंगे, ऐसे आएगा इधर। ये सेम टू सेम प्रोसेस दूसरी तरफ करेंगे। ऐसे रहेगा, देखिए एक स्क्वायर बन गया आपके पास ऐसे है। और अब इसको ऐसे के ऐसे दूसरी तरफ, ये ऐसे इस तरफ है ऐसे ही दूसरी तरफ से सेम टू सेम है, ये ऐसे रहेगा। और इसको हम ऐसे पकड़ के थोड़ा सा इधर उठा देंगे, देखिए ऐसे ऐसे आ गया है अपना बीच में। इसको इधर से दोनों को हम घुमाएंगे, इसको अब हम इसके साथ मिलाते हुए साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से सेम टू सेम रहेगा, ऐसे आ जाता है। अब इसके यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल को हमने ऊपर ले आना है ऐसे, ऊपर की तरफ आ गया। और अब इसको थोड़ा सा हल्का सा आप देखिए दूसरी साइड में, ये सीधा था ऐसे उल्टी साइड में हम इसको थोड़ा सा इसका कॉर्नर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। और अब इसको पूरे बीच से पकड़ के इसको थोड़ा सा
ऊपर की तरफ हल्का सा उठाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए ये हमारे रैबिट का अप्रॉक्सीमेटली फेस तैयार हो गया। पीछे से देखिए इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे करना है, और इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे हल्का सा। यहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगी। इसको हमने अंदर की तरफ मोड़ के और ये ऐसे किया है। अब इसके थोड़ा सा पैर बनाने के लिए इसको हल्का सा बाहर खींचेंगे। पीछे की साइड देखो एक ट्रायंगल बन जाता है, इसको ऐसे तो ले आना है, हमने ऐसे ही रखना है। और ये बन गए पैर, और यहाँ से को थोड़ा सा ऐसे गोलाई के लिए इसको आप मोड़ सकते हैं। अब खरगोश के कान इसकी स्पेशलिटी होते हैं, एकदम बड़े बड़े खुले और सुंदर। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा कान के शेप की तरह इसके बीच में जो पेपर्स हैं आप इनको थोड़ा 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 खोल दीजिए। और ये देखिए ये ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा। ये देखिए दो कान बन के तैयार है। और अब आप किसी भी स्केच कलर की मदद से इसकी आंख बनाइए। स्केच कलर ले लेते हैं, स्केच से हम इसकी आंखें बनाएंगे, सुंदर आंखें, रैबिट की आंखें बहुत शाइनी होती हैं इसमें, ऐसे दोनों तरफ। तैयार है और हमारा रैबिट भी तैयार है दौड़ने के लिए, भागने के लिए, खड़ा होने के लिए। ये देखिए ये बन चुका है। और हम इसको अगर ऐसे बिठाना चाहें तो ये देखिए ये बैठ भी जाता है। एक हमारे पास पहले से बना हुआ है, देखिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम सब उम्मीद करते हैं आप घर पे बैठ के ज़रूर इनको एंजॉय करेंगे और बनाना सीखेंगे ऐसे दो रैबिट।